कल आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो है डाउनटाउन में डूब जाता है पानी में, और उसको बचाने के लिए कई एक लोग सामने आते हैं, मगर जो दरिया में सबसे पहले कूदा जो मेरे साथ इस वक्त शख्स है, इनका नाम शौकत है, और शौकत ने इसे पहले भी कई कारनामे अंजाम दिए हैं, मगर कल जब छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा था तब शौकत थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस दरिया में छलांग मारी और उस छोटे से बच्चे को वहाँ से निकाला। इनके हाथ में सर्टिफिकेट और पुलिस ने इनको आज शॉल डाला इस कारनामे के लिए, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से बच्चे की जिंदगी बचाई। कहां पे ये वाकया पेश हुआ था, टाइम क्या था? ये 1 से 2 बजे का टाइम था सर। हम बैठे थे दोस्त के कारखाने पे, हम बैठे थे जोहर अहमद के पास, और मोहम्मद शफी भी वहीं पर थे, मैं भी वहीं पर था। मैं घर से निकल था, ऐसे ही निकला था घूमने के लिए, फिर मैं आगे आते यहाँ पर पहुँच गया। वह बताना ये है कि सर हमने सुना, चीख सुनी, मुझे लगा पहले झगड़ा हो रहा है, फिर हमने सुना बच्चा, मेरा भाई डूब रहा है, मेरा भाई डूब रहा है, मेरा भाई डूब रहा है। हम निकले घर से, वो दुकान कारखाने से निकले, हमने पहले एक साइड से कोशिश की, वहाँ काम कम था, हम चांसेस कम, बहुत कम थे। फिर हमने पार किया, फिर जोहर साहब ने और मोहम्मद शफी ने कपड़े निकाले, उनको हाथ में नहीं आया। फिर मैं थोड़ा रोड से निकल के सीधा ही चला गया, मैंने बोला ये आप तो मिलेगा नहीं, फिर आगे देखते, अगर ऊपर वाले ने बचाना होगा आगे ही बचाएंगे। फिर मैंने वहाँ सारे कपड़े उतारे, फिर मैंने वहाँ से छलांग मारी, फिर वो इंशाल्लाह वहीं पर रिकवर हो गए। इससे पहले भी कहीं एक हादसे ऐसे पेश आए, मगर CPR ना, अवेयरनेस होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे इन्होंने कल प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, CPR उस बच्चे को दे दिया, जैसे ही पानी से उसको रेस्क्यू किया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके शायद उस बच्चे की जान बची। इससे पहले भी कहीं एक वाकया पेश आए, आपने इससे पहले भी आग लगने की वारदात पेश आई, उसमें भी आपने कहीं एक लोगों की जान बची? जी सर, वो आग लगी थी उस टाइम, यहीं पर लगी थी, वो मोहल्ले में आग ही लगी थी आग। फिर कोशिश हमने की, वहाँ पर भी रिकवर हो गए बंदे, जो भी बचा था वो हमने निकाल लिया। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है, सब बच गए बंदे, सब बच गए, नुकसान हो गए, मगर अल्लाह ताला ने सबको। बच्चा कहाँ का था? ये यहीं पर रहता है, अंदर मोहल्ले में ही रहता वो भी। अब आपने सुना, आवाज़ सुनी उसकी बहन की, उसके बाद वहाँ? हाँ, उसके बाद, उससे पहले हमें पता नहीं था। डर लगा पानी में कूदने से? डरने की बात ही नहीं है सर, 18 साल से तैरना आ रहा है पानी का, डरने की तो बात ही नहीं है सर इसमें। मौत तो आनी है एक ना एक दिन, मौत तो आए के ही रहेगी। फिर भी इससे भी पहले मैंने दो बार मैंने दो बंदों को एक ही बार रेस्क्यू किया था इस पानी से, फिर भी उस टाइम भी पानी का फॉलो इतना ही था लगभग। आपने इनको रेस्क्यू किया, छलांग किसने मारे थे? तीन बंदे थे सर, तीन लोग थे जी, मोहम्मद शफी, मैं और जोहर अहमद। पहले जोहर अहमद ने मारी, फिर मोहम्मद शफी ने मारी, उनके हाथ से वो उनके हाथ में नहीं आया। फिर मैंने लास्ट में पहले फिर माने मैंने मारी, जो मैंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया पानी से बाहर। शौकत, आप कहाँ रहते हैं? मैं पहले यहीं रहता था गासीमाला सफा कदल में, अभी मैं पालपुरा में रहता हूँ। तो आप कल यही सफा कदल में ये वाकया पेश था? मैं इधर ही, ये उसी वक्त वाकया पेश हुआ जब मैं यहाँ पर था, शुक्र है अल्लाह का यहीं पर थे। तो कितनी दूर तक आप स्विमिंग करते गए? लगभग 30-40 फीट तक। बच्चे के पानी पी रखा था उसने, बच्चे ने पानी पिया था, मगर अल्लाह ने फजलो करमों से उसके स्पेयर से वो पानी बाहर आया, फिर उसने खांसी की थोड़ी सी, फिर उसको अल्लाह ताला ने। ये पता चला वो बच्चा कैसे पानी में गिरा था? उसको यहाँ पर ये लगी थी, वो मिट्टी से फिसल गया था, स्लिप हुई थी उसको, वो पानी में गिर गया था, वो पानी के फ्लो से बाहर चला गया था, बाहर चला गया था। इसकी वजह से वो हमारे हाथ में आया थोड़ा। आपने जब वहाँ से रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लेके? हॉस्पिटल हमने नहीं लिया, हमने डिसअपीयर जैसे ही किया, वो होश में आया बच्चा, हमने बोला शुक्र है अल्लाह का ठीक है। कहीं एक हादसे इससे पहले भी पेश आई, पानी में लोग गए, इससे पहले हंडबल का वो भी वाकया हमारे सामने, वो भी हम भूले नहीं। ऐसे नौजवान जब सामने आते हैं, पुलिस ऐसे अप्रिशिएट करती है ऐसे नौजवान को, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को स्किलफुल होना चाहिए? लोगों बिल्कुल स्किल जो है, ये मैंने जैसे अभी आपसे पहले भी कहा था, कुछ स्किल्स होते हैं वो आपकी ज़िंदगी बचा देते हैं, दे आर कॉल्ड लाइफ स्किल्स। स्विमिंग या CPR देना या फर्स्ट एड देना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये सब लोगों को आनी चाहिए। तो अभी मैं ये भी अप्रिसिएशन दूंगा स्कूल्स को भी कि वो ये बेसिक स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को, फर्स्ट एड सिखा रहे हैं उनको, CPR बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। सारे स्कूल्स को उससे क्यू लेना चाहिए, और जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ होती हैं मोहल्लों में, उन पे भी उनको भी फोकस करना चाहिए इन चीज़ों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जुनैद साहब, आपको लगता है कि हमें स्विमिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए नौजवानों को, जहाँ पे अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए जब कोई डूबता है उसको हम निकालते हैं, जैसे इन्होंने CPR दे दिया उस वक्त? बिल्कुल स्विमिंग पे प्रोग्राम्स करने चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। और ये दो तरह का होता है, देखिए एक तो ये स्विमिंग जो है एक स्पोर्ट भी है, तो वो भी आप प्रमोट करेंगे, साथ में आप लाइफ स्किल जो है उसको प्रमोट करेंगे, बहुत ज़रूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू देने के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आज इनको अवार्ड से नवाजा, शौकत अहमद को जो है अवार्ड से नवाजा गया, कुछ एनजीओज ने और पुलिस ने भी उसको अवार्ड से नवाजा क्योंकि उसने एक मासूम से बच्चे की जान बचाई है। और मेरे साथ है उसी एनजीओ के फाउंडर मेरे साथ है जिन्होंने आज शौकत को शॉल से और उनको अवार्ड से भी नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ऐसे हादसे जब पेश आए, इससे पहले गंडबल का हमने देखा, कल जब छोटे बच्चे का वो वीडियो सामने आया जिसमें कहीं एक नौजवानों ने उस बच्चे की जान बचाई, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसे ओकेजन्स पे जब कोई कारनामा एक फ़र्द या कोई जमात करती है तो उनको एनकरेज करने के लिए हमारी जैसी जमातों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का हक है कि उन्हें एनकरेज करें, उन्हें फेलिसिटेट करें, उन्हें रिकमेंड करें बेहतर रिवार्ड के लिए, बेहतर अवार्ड के लिए। आज फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट ने ये मौका खोजा और फेलिसिटेशन के इस प्रोग्राम को यहाँ सफा कदल के पब्लिक पार्क गासी मोहल्ला में मुनाकिद किया और जहाँ हमने शौकत अहमद और जहूर अहमद जैसे इन होनहार हीरोज़ को फेलिसिटेट किया। मकसद और मुद्दा इस प्रोग्राम का यही था कि हम नौजवानों में एक जागरूक पैदा करें, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था ये, जिसमें नौजवानों को भरपूर मौका है कि वो अपने इनर कॉन्शियस के साथ ऐसी चीज़ें बेहतर अंदाज में करें और उनकी जो इंटेलिजेंसिया है, उनके जो स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में उसको एक्सप्लोर कर पाएँ और अपने बेहतर अंदाज में अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली इन योर सोसाइटी बट डेफिनेटली इन एंटायर कंट्री एंड एज वेल एज ग्लोब। तो हमें ये मौका लगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मशवरा किया कि हमें इनको फेलिसिटेट करने का मौका खोजना चाहिए और हमने फौरी तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का एक रोड मैप बनाया, एक्शन प्लान तय हुआ और आज SDPO SRगंज और SHO पुलिस स्टेशन सफा कदल और अमनदीप साहब जो हमारे पुलिस पोस्ट के DO हैं उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए अफसरान ने भी शिरकत की। बारी तादाद में जो लोग थे सिविल सोसाइटी से आए हुए, इस इलाके से बेहतरीन लोगों का जो कारनामा है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं शौकत अहमद और जहूर अहमद जैसे इन होनहार लोगों को हमने फेलिसिटेट करने का आज ये अज़म किया। और इसी तर्ज पर हमारी मैसेज रही कि कैसे नौजवानों को ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के साथ साथ उन जो नफूसात हैं समाज में, जो खराफात हैं समाज में, उनसे दूर रहने के बजाय हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, हम इसी तर्ज पर अपनी इनर चीज़ों को एक्सप्लोर करने के मौके ढूंढें ताकि हम इस कौम बिलखसूस जम्मू कश्मीर और कश्मीर डिवीज़न का नाम रोशन कर सकें। ये शख्स जो है जिन्होंने कल एक छोटे से बच्चे की जान बचाई जब वो बच्चा डूब रहा था और तब इन्होंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस दरिया में छलांग मारी और वहाँ से उस छोटे से बच्चे को रेस्क्यू किया और तब उस बच्चे की जान बची। कैमरामैन आकिब के साथ में उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।